बस यहाँ से निकलते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जॉस्ट दिखाना चाह रहा था, एक बार मैं इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ आपको यहीं पे। तो आज मैं लाया हूँ अपाची आरा 310 BS6 मॉडल। देखो यार क्या खूबसूरत गाड़ी है। तो चलो गाड़ी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी का कर्ब वेट से स्टार्ट करते हैं। 174 kg का कर्ब वेट है। टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की है। USD फोक्स आते हैं और टायर्स में मिचलिन का रोड 5 आता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला टायर का सेट भले ही बहुत सस्ता आया था, 10,000 के अंडर आया था, मगर इसकी ग्रिप बहुत टॉप नॉच है। लोग इससे बहुत तगड़े तगड़े लीन करते हैं, आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा भी होगा। सबसे फेमस जो इसकी है यार, बैक की टेल लाइट आप देख सकते हो, डुकाटी इंस्पायर्ड टेल लाइट बोला जाता है इसे। कुछ 6-7 महीने पुरानी गाड़ी है, ज़्यादा पुरानी है नहीं। ऊपर से आप ये देखो, इसमें लगा हुआ है लियो विंस का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। भाई साहब इसका बैंड पाइप आपको पता होगा थोड़ा सा यूनिक होता है। अब वो देखो भाई क्या प्यारा बैंड पाइप है। ऑल दो बहुत महंगा भी आता है इसके चक्कर में इसका बैंड पाइप। इसकी चेसी यहाँ से यार ये जो रेड रेड चमकती है ना, रेस पैक TVS का इसमें लिखा हुआ है, मतलब TVS का रेसिंग DNA है यार इसमें। बाकी गाड़ी के थोड़े से फिगर्स की बात कर लेते हैं, तो ये गाड़ी बनाती 34 PS पावर, 27.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो विच इज़ प्रिटी इनफ। इसका पावर टू वेट रेशियो मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं इसे चलाता हूँ ना, इससे अगर मैं स्टंट्स वगैरह करना चाहता हूँ तो मेरी बहुत अच्छे से हो जाती है। और मैं अगर किसी गाड़ी से करना चाहता हूँ, मतलब MT वाली फील देती है मेरे को ये। USD वगैरह सब आते हैं। मैं आपको टायर्स की बात करते हैं, तो फ्रंट में आते हैं 110 सेक्शन का टायर, पीछे आता है 150 सेक्शन का टायर। मैं आपको टायर बता चुका हूँ, मिचलिन रोड 5 आते हैं। पीछे भाई ने लगा रखा है प्रो डिस्क। तो चलो डिस्क की बात कर लेते हैं। डिस्क पे आ ही चुके हैं, तो पीछे आता है 240mm का डिस्क ब्रेक और आगे आता है 300mm का डिस्क ब्रेक। इसका मैं आपको स्टाइल दिखा देता हूँ। बाकी तो भाई ने यहाँ पे विंडशील्ड पे देखो आपने, अभी उसने करा रखा है यहाँ पे ब्लैक रैप, क्योंकि उससे बस एक नुकसान हो जाता है कि आपकी विजिबिलिटी देखो जीरो हो जाती है। बाकी नया वाला मॉडल आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप डिस्प्ले देख सकते हैं, LCD डिस्प्ले आती है, जिसकी बहुत ही प्यारी खूबसूरत डिस्प्ले है ये। थोड़े से मोड्स की बात कर लेते, तो अभी ये गाड़ी पड़ी है स्पोर्ट मोड पे, अब मैंने लगा दी ट्रैक मोड पे और अब मैंने लगा दी अर्बन मोड पे। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो अर्बन में क्या होता है, पावर कट के 25.8 PS की हो जाती है, उसमें थोड़ा सा ABS की पावर थोड़ी बढ़ा देती है गाड़ी की। और रेन में भी यही होता है, ABS की थोड़ी सी और बढ़ जाती है इसमें, बस पावर कट नहीं होती इसमें। ट्रैक और स्पोर्ट में पूरी पावर होती है, बस ABS का थोड़ा सा फ्लिकरिंग का टाइम होता है कि वो किस हिसाब से वर्क करता है। ये TVS का मतलब कहना है ऐसा कुछ। बाकी गाड़ी की हैंडलिंग वगैरह की बात करूँ, तो काफ़ी अपराइट पोजिशन में बैठते हैं हम लोग, काफ़ी प्यारी पोजिशन है। मतलब आपको RC 390 की तरह, जैसे इसकी वो राइवल है उसकी तरह, जैसे पेन हो जाता है ना उसमें गाड़ी चलाने पे, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। आपको काफ़ी कंफर्टेबल लग सकती है, इससे आप आराम से टूरिंग कर सकते हैं। इवन बहुत अच्छे तरीके से लोग इस पर टूर करते भी हैवी टूर्स। बाकी मैं आपको मीटर बेस से कुछ और फीचर्स दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो राइड मोड ट्रिप डिटेल्स, राइड मोड ट्रिप डिटेल्स, माई व्हीकल में आप अगर जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सर्विस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। सर्विस में देखो आप जाते हैं तो आपको ये बता देगा कि आपकी लास्ट सर्विस कब हुई थी, कितने किलोमीटर तब से चल चुके हैं एंड तब से आप कितने ज़्यादा दिन हो चुके हैं। फिर उसके बाद जाते हैं हम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पे, तो ये भाई ने माइलेज निकाल रखा है 22 किलोमीटर पर लीटर का। उसके बाद स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी भाई रीसेट कर देता है, कहते हैं घर पे डांट पड़ जाती कभी कभी। और लैप्स का तो खैर हमें कोई काम होता है नहीं। बाकी काफ़ी सारे डिटेल्स हैं यार, डे एंड नाइट आप इसका वो भी सेट कर सकते हो, सब कुछ होता है यार इस गाड़ी में। हेडलाइट की बात करें तो आता है यार LED पूरा सेटअप। मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इसे रात में चला चुका हूँ, इसका एटलीस्ट विजिबिलिटी है रात में, प्रेजेंस है इसका रोड पे। और इसका हेडर वगैरह आप यहीं से आराम से इजीली स्विच कर सकते हैं, ऐसे करके हेडर ऑन हो जाता है। अगर इसमें हो रहा हो तो देखें, हाँ देखो ऐसे करके हेडर ऑन हो जाता है, मतलब बहुत ईजी कन्वीनियंट वे में इसका हेडर की पोजिशन डाल रखी है। बाकी अगर टॉगल स्विचेस की बात करें तो ये देखो यार बहुत प्रीमियम क्वालिटी का टॉगल स्विच है, इसमें बस एक सेल्फ दबाओ, अभी तो देखो फ्यूल इंजेक्शन ऑन हुआ था, एक सेल दबा के छोड़ दो, और दो गाड़ी बहुत लाउड है इसलिए मैं बंद कर दे रहा हूँ, एक सेल दबा के छोड़ दो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। पावर कट भी यहीं से आप कर सकते हो इसे, बस ये देखो ऑन पावर ऑफ और ये सेल, तो काफ़ी डिसेंट है यार। मिरर्स की बात कर लेते हैं, मिरर्स इसके काफ़ी टाइट हो रखे हैं इस टाइम पे। विजिबिलिटी आप देख सकते हो कुछ काफ़ी अच्छी सी प्रोवाइड कर देते हैं मेरे हिसाब से, तो ये मुझे लग रहा है जो मैंने अभी RC 200 चलाई उससे अच्छी विजिबिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे। तो यार गाड़ी की बातें बहुत हो गई हैं, इसका आप लुक देख सकते हो एक बार और, मैं आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ पूरा। टेल लाइट भी इसकी LED है, LED इंडिकेटर्स हैं,
बट यार ऑनेस्टली इसकी जो टेल लाइट है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा। बाकी आप मौसम देखो यार, क्या ही प्यारा हो रहा है ना इस समय, सुहाना सा मौसम। तो इसका ओवरव्यू कंप्लीट करते हैं और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी गाड़ी की राइड करके दिखाता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। RC 390 का कंपैरिजन इससे होता है, ऑल दो गाड़ी में इस गाड़ी में बहुत फ़र्क है, मगर ये गाड़ी भी अपनी लीग में बहुत प्यारी गाड़ी है। 300 cc में मेरे हिसाब से इससे प्यारी गाड़ी कोई नहीं आती। BMW वालों का भी यही वर्जन है, बस उसमें थोड़ा सा टॉप एंड की ट्यूनिंग अलग है इससे, बट इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके प्राइसिंग में भी 40-50 हज़ार से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है इससे। ये 320 पे अभी रोड पे आती है, वो 3.5-4 के बीच में आती है रोड पे। तो बस अब आपको सीधा मिलता है राइडिंग सेटअप पे और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये भी बढ़िया ऑप्शन है। तो अभी हम आ चुके हैं RR 310 के राइड रिव्यू के लिए। आप सुन सकते हो कितनी भयंकर लाउड है। पहले तो मैं इसका हेड ऑन कर लेता हूँ। तो बॉयज मैं सच बता रहा हूँ, मैंने माइक की काफ़ी यार कोशिश कर ली, प्रैक्टिस कर ली, टेस्टिंग कर ली, बट अभी तक मैं प्रॉपर माइक सेटअप पे नहीं पहुँच पाया हूँ। तो मैं यहाँ से आपको माइक से वॉइस ओवर दे दे रहा हूँ, क्योंकि माइक तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं यार बता रहा था यहाँ पे कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा था पावर है और काफ़ी लीनियंसी के साथ है, तो मतलब किसी नए बच्चे को डराएगी नहीं है। जैसे RC 390 आप किसी नए बच्चे को दे दो तो वो उसे डरा सकती है, ये ऐसा कुछ गाड़ी नहीं करेगी। तो चलो यार अब इसी बहाने थोड़ी सी हम ब्रेकिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि देखो यार सबसे पहले जितनी गाड़ी में पावर होती है ना उस हिसाब से उसमें ब्रेकिंग हो तो मज़ा नहीं आता फिर अगर ना हो तो। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट किया था, तो ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं 3-2-1। ये रोड काफ़ी खाली रहती है इसलिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, आप पीछे भी देख सकते हो कोई नहीं है इस रोड पर। और अभी मैं यहाँ पे इस कर्व पे भी आपको गाड़ी लीन करके दिखाऊंगा, मतलब जो भी नॉर्मल जिससे मुझे एक अंदाज़ा मैं आपको दे पाऊंगा कि इसके टायर सेट कैसे और एरोडायनामिकली कितनी मतलब गाड़ी में कॉन्फिडेंस फील होता है। तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता होगा वैसे तो, कि इस गाड़ी में आता है रिवर्स इंक्लाइंड इंजन। इसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी के में इंजन उल्टा रखा होता है तो रेडिएटर से ना डायरेक्ट हवा आती है इंजन पे और प्रॉपरली इंजन पे जा पाती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, आपकी गाड़ी पहले तो हीट नहीं होती, दूसरा लॉन्ग टाइम पे जो गाड़ी की इंजन की लाइफ होती है वो भी मेंटेन रहती है और लंबे पीरियड तक। वैसे भी TVS के इंजन जल्दी बोलते नहीं, ऑल्दो थोड़े से वो पावर फिगर्स थोड़े कम निकालते हैं अपने जो नॉर्मल राइवल्स हैं, बट उनकी इंजन लाइफ नॉर्मल राइवल से बहुत ज़्यादा अच्छी है बाकी गाड़ियों से। मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं TVS काफ़ी ओन कर चुका हूँ, 10-15 साल मैंने TVS ओन करी है, चाहे वो कम्यूटर हो चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो, सबका मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है। तो बस अब थोड़ा सा गाड़ी को एंजॉय कर लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मतलब भाई स्वाद आ गया यार गाड़ी चला के। अब एक तो यार इसमें जब भी अब एक्सीलेटर की जो ना, एक तो एक जो पुल दे रही है बहुत मज़ा आ रहा है, ऊपर से जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का फील आ रहा है ना, ऊपर से जब भी अब लिमिटर साइड पे जाऊँ ना, मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गया नहीं, इससे पहले जब मैं चलाई थी उसमें लिमिटर साइड मैंने काफ़ी बार पुश किया था, तो लिमिटर की जो साउंड है ना बहुत ही मतलब ब्रूटल सी आ रही है। तो एक बार मैं आपको साइड में गाड़ी को रुक के एक बार लियो विंस का पूरा दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी कोबरा शेप है ना बड़ी प्यारी लगती है और उस गाड़ी की मैच के साथ बहुत अच्छी लग रही है। एक बार आप देखो तो इसमें एग्जॉस्ट लगाया भी आप देख सकते हो लियो विंस और ये परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है। इसकी आप शेप देखो, कल तो ब्लैक कलर का गाड़ी निकल गई ब्लैक कलर का, उसकी थोड़ी सी ना कोबरा शेप आती है जो कि काफ़ी सूट कर रही है गाड़ी कलर स्कीम के साथ। तो यार बस यहाँ से निकलते हैं, मैं एक छोटा सा आपको एग्जॉस्ट दिखाना चाह रहा था, एक बार मैं इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ आपको यहीं पर।
तो यार ये लोग रेंडमली आके खड़े हुए थे, मतलब कुछ कहना चाह रहे होंगे या कुछ पूछेंगे, बट मैंने इनसे खुद भी पूछा कि भाई कुछ बात पर कुछ बोले नहीं, ऐसी मूर्तियों की तरह खड़े रहे ये लोग। बाकी इस गाड़ी को ट्रैक मोड पर डालते हैं और एक बार व्हीली ट्राई करते हैं। खैर मेरी ओनर से पूछी हुई है, ओनर भी ट्राई करता है, ओनर को बाकी तक गाड़ी सफर से वो पसंद भी है, तो खुद ही बोलता है भाई एक बार से ट्राई करो। पहला अटैम्प तो फेल हुआ, दूसरा अटैम्प नहीं हुआ यार। और ठीक है, मतलब ज़्यादा से ट्राई करना नहीं, आप गाड़ी को एंजॉय करते हैं, सीधा वीडियो को एंड करते हैं। कीड़ा मरा है क्या भाई सर पे? देखो भाई खून आया ये पूरा, और ये कहाँ छोड़ के आ गया? तो यार एक तो ऊपर से ये खतरनाक पर्पलिश बादल का मौसम, ऊपर से सावन, भाई भोले बाबा तो हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। तो बस मैं यहीं पे पूछ रहा था आप सबसे, क्या आप भी कांवड़ लेके जाते हो? कि मैं तो जाता हूँ यार, बस एक जनरल पूछ रहा था कि सावन से मेरे दिमाग में याद आता है कांवड़। तो बस अब यहाँ से आप वीडियो इन्जॉय कीजिए, मैं कोई वॉइस ओवर नहीं डालने वाला कि कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी आप साउंड इन्जॉय कर सकते हैं। ट्रैक मोड पे फील तो आता है। खैर बाकी इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है यार, ये मेरी आजकल की फेवरेट हो चुकी है, जस्ट बिकॉज इसका जो रिफाइनमेंट है, इसका जो इंजन की पावर का जो आउटपुट है वो बहुत कुछ ठीक है। मतलब आप इसे ऑल टेरेन्स में गाड़ी चला सकते हैं, पहाड़ों पर, ऑफ रोड में, सब भी चला सकते हैं यार। खैर ये वाली गाड़ियाँ ऑफ रोड के लिए तो नहीं बनी होती, बट लोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो बस आप सब ध्यान रखिएगा अपना, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।